शोर किदा, वेलकम टू द न्यू व्लॉग, दिस इज ध्रुव। तो भाई आज के व्लॉग में आपको ना बहुत जरूरी भाई एक अपडेट देने वाला हूँ कि जो बंदे पहली बार आयरलैंड आ रहे हैं ना, चाहे आपके पेरेंट्स हैं, चाहे आपके कोई भी यार दोस्त है, कोई भी फैमिली मेम्बर है भाई ना, जो यहाँ पे नहीं रहते हैं, जो पहली बार यहाँ पे आ रहे हैं, उनके लिए ये एयरलाइन मत चूज़ करना भाई। बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है लोगों को ये एयरलाइन चूज़ करने में। आगे इस व्लॉग में बात करते हैं भाई। कोई मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना ना भूले। तो फिर करते हैं आज के व्लॉग की शुरुआत। तो हाँ जी भाई लोग, कुछ आपको पहले भाई वेदर का अपडेट दे दूँ। जैसे आप देख ही रहे हो भाई वीडियो में, मैं कभी टोपी और जैकेट इतनी मोटी डालता नहीं, बट क्या करें भाई, वेदर कोल्ड स्नैप यूके और आयरलैंड को भाई घेरा हुआ है इस टाइम। आपके फोन में टेम्परेचर दिखाएगा 1-2 degrees, 0 degrees, बट उसका जो रियल फील है ना भाई, वो है -8, -9। भाई कल तो -9 था, मतलब जो बाहर निकल के जो सूखी ठंड है ना, ड्राई ठंड है, हवा भी अभी कम चल रही है, बट ड्राई ठंड भाई आपको बीमार करने वाली है। जो बंदे स्पेशली भाई विदाउट जैकेट, विदाउट हुडी, विदाउट कैप भाई बाहर निकल रहे हैं ना, क्योंकि गर्म सर्द में बंदा बहुत होता है, स्पेशली अपने देसी बंदे तो भाई बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं। तो ठंड बहुत चल रही है आयरलैंड में। आज सुबह से भाई स्टॉर्म आ रखा है, स्टॉर्म बर्ड के नाम से। बहुत सारे भाई वेदर अपडेट ना आयरलैंड में चेंज होते हैं। स्ट्रॉम बहुत आजकल आने लग पड़े हैं भाई ना। जब मैं किस टाइम में मैं यहाँ पे आया था, तो उस टाइम साल में या 2 साल में एक आधा स्ट्रॉम आता था। अब तो भाई लगा लो कि आज ये स्ट्रॉम है, अगले हफ्ते कोई स्ट्रॉम है, कोई हो स्ट्रॉम है, तो लगा लो कि साल में ना 8 से 10 स्ट्रॉम तो भाई कहीं नहीं गए। तो भाई 2-3 दिन की ठंड के बाद ना आज थोड़ा वेदर सही हुआ है, ठीक हुआ है, घर से बाहर निकले हैं भाई ना। नहीं तो क्या होता था, एकदम ठंडा चिल्ड आइस होता है ना, जो रोड भी काफ़ी भाई स्लिपरी थे, आपके फ्रंट गार्डन, बैक गार्डन सारे आइसी थे, कारों पे जब आप सुबह उठते थे एकदम आइस बर्फ थी भाई ना, बहुत ठंड थी, इतनी ठंड, एकदम वेदर चेंज हुआ यहाँ पे ना। तो मेक श्योर करो कि भाई अपने आप को रैप्ड अप ढक के रखो भाई ना, स्पेशली बच्चों को, क्योंकि आपको पता है यहाँ डॉक्टर अपॉइंटमेंट नहीं मिलती है, मेडिकल बहुत स्लो है, पैसे बड़े लगते हैं भाई जीपी के, दवाइयों के पैसे बड़े लगते हैं। आयरिश वेदर, आयरलैंड का सबसे गंदी बात यही है कि यहाँ का वेदर बहुत गंदा है भाई, हवा बहुत चलती है, तो बंदा फट बीमार होता है, फट। तो ये बात करते हैं, अब अपने टॉपिक पे वापस चलते हैं कि जो मेरी ट्रैवलिंग की अपडेट थी ना भाई, ट्रैवल अलर्ट था। कोई भी बंदा यहाँ पे पहली बार आ रहा है, चाहे आपके पेरेंट्स आ रहे हैं, कुछ भी आ रहे हैं, मैंने ये भी रिसेंटली बड़ा न्यू एक्सपीरियंस देखा है मैंने, तो मैंने सोचा ज़रूर भाई आपसे ये वाली वीडियो शेयर करता हूँ कि अगर आपके पेरेंट्स या आपके फैमिली मेम्बर में से भाई कोई भी ना आयरलैंड अगर आ रहा है पहली बार, ठीक है, प्लीज़ उनको लुफ्टांसा एयरलाइन है भाई, जर्मन एयरलाइन है, उसमें ना ट्रैवल करें भाई। बंदा क्या हुआ, अभी रिसेंट एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ। एयरपोर्ट गए पेरेंट्स, ठीक है, कंफर्म टिकट थी, आने जाने की रिटर्न टिकट थी भाई, पहली बार वो आयरलैंड जा रहे थे, उनको चेक इन डेस्क पे रिफ्यूज़ कर दिया गया एंट्री, कि उनके पास ट्रांजिट वीज़ा होना चाहिए जर्मन का। तो बहुत कह सुनाई के बाद उनकी कुछ नहीं भाई सुनी, सिक्योरिटी वाले आए, ठीक है, जब चेक इन डेस्क बंद हो गया तो उनको बाहर निकाल दिया गया। तो एंड ऑफ द डे वो भाई दूसरी अरब फ्लाइट्स पकड़ के आयरलैंड पहुँचे, डबलिन पहुँचे। तो ये भाई सबसे बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी कि कोई भी बंदा ना अगर यहाँ पे पहली बार आना चाहता, क्योंकि बहुत से पेरेंट्स आते हैं, बहुत से फैमिली मेम्बर्स आते हैं भाई आप लोगों के, तो लुफ्टांसा एयरलाइन को अवॉइड करो, ठीक है। अगर सस्ती भी है तो भाई अवॉइड करो, क्योंकि बेचारे पहली बार आ रहे हैं, ठीक है, आप ये नहीं चाहते कि उनके साथ कुछ ऐसा मिस हैपन हो, फिर आपके दोबारा पैसे लगें, फिर आप न्यू टिकट बनाओ, एक हफ्ते का 2-3 दिन का टाइम वेस्ट होएगा, स्ट्रेस भाई अलग है। तो लुफ्तांजा एयरलाइन को भाई ना अवॉइड करो प्लीज़ सारे, क्योंकि तो भाई लोग जब भी आप, अगर आप खुद चेक कर सकते हो कि जब भी आप lufthansa.com पे जाके, उनकी वेबसाइट पे जाके भाई ना टिकट बुक कराओगे ना, अपने आप खुद चेक कर सकते हो, वहाँ पे लिखा हुआ है नेशनल्स ऑफ इंडिया मे रिक्वायर्ड ट्रांजिट वीज़ा। मे रिक्वायर्ड का मतलब है भाई रिक्वायर्ड होता ही होता है, चाहिए आपको ना, तो मेक श्योर करो। अभी जो मेरे पास रिसेंट भाई एक एक्सपीरियंस हुआ, और एक एक्सपीरियंस बहुत पहले हुआ था, वो मुझे पता नहीं लगा था उसके बारे में, मुझे उसके बारे में भी अभी पता लगा कि उनके पेरेंट्स को भाई आने नहीं दिया,
उनको डिनाइड कर दिया चेक इन, बोर्डिंग तो बहुत दूर की बात है, उनकी चेक इन ही नहीं करी उन्होंने। उनको बोला कि अगर आप डबलिन जा रहे हो ना, अगर आप इंडियन पासपोर्ट होल्डर हो, ठीक है, आपको ट्रांजिट वीज़ा चाहिए, शेंगेन ट्रांजिट वीज़ा चाहिए भाई जर्मनी का, तभी आपको जाने देंगे। और भाई मैं आपके लिए एक और जल्दी से एक और वीडियो लेके आऊँगा। आपके बहुत से क्वेश्चन मिलते हैं कि भाई मैं यूके से आ रहा हूँ, ठीक है, मुझे यूके की ट्रांजिट वीज़ा की ज़रूरत है कि नहीं है, इसके बारे में ना डिटेल में थोड़ा बनाऊँगा, क्योंकि उस वीडियो में आपको थोड़ा बहुत समझाना भी है और उसमें थोड़ा वो वाली वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, तो वो वीडियो भाई अलग से बनाऊंगा। कि जितने भी अपने इंडियन पासपोर्ट होल्डर हैं ना, जितने भी अपने देसी बंदे हैं, अगर वो हीथ्रो के थ्रू आ रहे हैं या वाया यूके के थ्रू आ रहे हैं, ठीक है, उनको आयरलैंड आने के लिए वाया यूके ट्रांजिट वीज़ा चाहिए कि नहीं यूके का, इसके बारे में भाई मैं जल्दी एक व्लॉग लेके आऊँगा। तो भाई मैं तो यही बोलता हूँ कि पहली बार अगर आ रहे हो ना, यूरोप की एयरलाइन को थोड़ा अवॉइड करो, अरब्स की एयरलाइन को भाई यूज़ करो, ठीक है, उसमें कोई पंगा नहीं है, कोई ट्रांजिट वीज़े का कुछ नहीं है भाई, आराम से आप टिकट बुक करो। उसमें वेट अलाउंस में ना बैगेज अलाउंस भी आपको ज़्यादा मिलता है, ठीक है, कहाँ उसमें 23+7 मिलता है, यहाँ पे 30+7 मिल जाता है। इवन आप टर्किश एयरलाइन भी यूज़ कर सकते हो, वहाँ भी भाई कोई ट्रांजिट वीज़े का कोई पंगा नहीं है, ये एयरलाइनें सेफ़ हैं, कोई ट्रांजिट वीज़े की कोई ज़रूरत नहीं है, बुक कराओ, ठीक है। और इसमें आपके पेरेंट्स को, जो भी आपके फैमिली मेंबर भाई पहली बार आयरलैंड में आ रहा है ना, उनको आप इस फ्लाइटों में भेज सकते हो। और भाई कोई कोई लोग तो आए भी होंगे पहली बारी, जो लुफ्तांसा से आ रहे हैं ना आयरलैंड में पहली बारी, उनको कुछ पूछा भी नहीं होगा, उनको कुछ कहा भी नहीं होगा कि आपको ट्रांजिट वीज़ा चाहिए, बट उनकी ना वेबसाइट पर एकदम क्लियरली मैंशनड है कि नेशनल्स ऑफ इंडिया मे रिक्वायर ट्रांजिट वीज़ा इफ़ यू ट्रांजिट थ्रू जर्मनी, ठीक है। बट ये है कि यार कोई कोई ना चेक इन वाला जो आपके इंडियन एयरपोर्ट्स पे ना बहुत अच्छा बंदा मिल जाता है, वो फिर इतना पूछगिछ नहीं करता, अपने आपके बैगेज लिए अपना बोर्डिंग पास काटे और ये लो। बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि यार बंदे ऐसे ही मिलते हैं वहाँ पे ना, तो मेक श्योर करो, अवॉइड ही करो यार, क्यों बंदा पहली बार आयरलैंड में आ रहा है, ठीक है, क्यों उसको स्ट्रेस वाली स्ट्रेस फीलिंग देनी, क्यों उसको वापस भेजना, फिर दोबारा टिकट किसी और एयरलाइन की कराएगा भाई, पैसे वहाँ से भी नहीं वापस मिलेंगे, पैसे और लगेंगे आपके टिकट बुक कराने में। तो बेटर ऑफ है कि अरब की एयरलाइन है भाई यूज़ करें, वो सेफ एंड साउंड है। तो भाई आज का व्लॉग यही था, एक छोटा सा क्विक ट्रैवल अपडेट अबाउट लुफ्तांसा कि इसमें नहीं ट्रैवल करें। आई होप आपको भाई आज का व्लॉग बढ़िया लगा होगा, और यूके का जो ट्रांजिट वीज़ा का व्लॉग है वो जरूर आपसे जल्दी भाई शेयर करूंगा। तो आज के व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, और शेयर करना भाई, कोई भी अगर बंदा आपका कोई भी फैमिली मेम्बर आयरलैंड में पहली बार आ रहा ना, उससे ये वीडियो शेयर करना कि भाई इस एयरलाइन में मत ट्रैवल करें। तो फिर आज के व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं जल्दी एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, चाओ।